बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जितना दिखाते हैं उतना नहीं होता। हर घर नल। The focus on farmers' lands in 5 kilometer wide corridor. ये पूरा बजट जो है जुमलेबाजी वाला बजट है। सारा बजट किसानों के पक्ष में। बजट तो काफ़ी अच्छा रहा है, पर जो कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों के लिए वो थोड़ा सा निराशाजनक है। हम लोगों ने ये सोचा था कि ये चुनावी बजट होगा, लोक लुभावना बजट होगा, लोगों को डायरेक्ट फायदा दिखाई पड़ेगा, पर ऐसा कहीं भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। महिलाओं के लिए, उनके बढ़ावे के लिए उन्होंने सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। नमस्कार, मैं हूँ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज शो इंडिया चाहता है। आज सुबह 8 बजे करीब जब मैंने अपने तरफ से टेलीकास्ट शुरू किया, एंकरिंग करने आया, तो मैं ये सोच रहा था कि बजट कैसा होगा। चुनावी साल है, यूपी का चुनाव है और दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर आता है, ऐसे में क्या ये चुनावी बजट होगा। लेकिन अब जब बजट आ चुका है, बजट का विश्लेषण तमाम जगह पे आप देख पा रहे होंगे, आप खुद कंफ्यूज होंगे कि इस बजट को क्या कहा जाए, चुनावी कहा जाए या ना कहा जाए। उसी सवाल के जवाब तलाशेंगे। साल 2022-23 का बजट उस वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इन राज्यों में किसानों की अच्छी खासी धमक है और ये किसान 13-14 महीने तक सरकार से नाराज थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस बजट को सुधार का बजट कहा जा रहा है, क्या उसका असर चुनावों पर पड़ेगा? क्या ये चुनावी बजट है? क्या इसका फायदा बीजेपी उठा पाएगी इन 5 राज्यों में? कुछ सवाल खड़े होते हैं। कुछ आंकड़े पहले आपके सामने रखता हूं जो बजट से जुड़े हुए हैं। बजट में 5 साल में 60 लाख नौकरियां देने की घोषणा की गई है। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए घर देने की बात भी है। 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी, यानी मॉडर्न ट्रेनें। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा, यह प्रॉमिस भी किया गया है। लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़ रुपए देने की बात हुई है, क्योंकि इस उद्योग से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए इस महामारी के काल में। साथ ही किसानों के लिए फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान अलग से कर दिया गया है। ये कुछ खास बातें जो इस बजट को लोक लुभावंत की तरफ लेकर जाती हैं। पर सवाल तो ये है कि ये तो पूरे देशवासियों के लिए योजना है, इसका सिर्फ यूपी, पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों से मतलब नहीं है। बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों का कल्याण करने वाला बताया है। वहीं मिडिल क्लास की नजर इनकम टैक्स में छूट पर टिकी थी, जहां पर मायूसी उसको हाथ लगी। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि प्रधानमंत्री का यह आदेश था कि इस महामारी के दौर में एक भी पैसा टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए, तो हमने वो आदेश माना और टैक्स नहीं बढ़ाया और यही मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत की बात है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब की नई संभावनाओं से भरा हुआ। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वो ही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया, टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। तो जाहिर तौर पर सरकार को, सरकार के लोगों को बजट अच्छा लग रहा है, वो तारीफ कर रही है। लेकिन विपक्ष इस बजट पर तीखे सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बड़े नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार का 0 बजट, बजट में कुछ नहीं है, नौकरी पेशा के लिए, मध्य वर्ग के लिए, गरीब वंचितों के लिए,
युवाओं के लिए, किसानों के लिए, छोटे उद्यमियों के लिए जीरो बजट है, इसमें कुछ भी नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट पर चोट करते हुए ट्वीट किया है कि काम कारोबार सब हुआ चौपट, ऐतिहासिक मंदी, लाखों की नौकरी कर गई चट, आम जनता की आमदनी गई घट, बेकारी बीमारी में बैंकों में जमा निकली सारी बचत, अब लोगों की जेब काटने के लिए आया भाजपा का एक और बजट। उत्तर प्रदेश से भाजपा के दुखदायी युग का अंत शुरू हो गया है, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, ये नारा अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के जरिए दिया। अब सवाल है कि यूपी जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव पर क्या बजट का असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान आज इंडिया चाहता है में बुलाए गए हैं। उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका रूड़ी जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और आर्थिक मामलों के जानकार डॉक्टर गौरव वल्लभ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ हैं। आप सबका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। पहले शुरुआत में 40-40 सेकंड में एक एक राउंड बात करता हूं, फिर इसको खोल दूंगा मैं। रूड़ी जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। सरकार को ये बजट विकासोन्मुखी लगता है, प्रगति की राह पर जाने वाला लगता है। मेरा सवाल यह सीधा सा है, विपक्ष कह रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसे में चुनाव में क्या होगा? 10 दिन के बाद पहले चरण का मतदान है। देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि इसको, और खासियत भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री का है, औसतन लोग बड़े चुनाव, और उत्तर प्रदेश कोई छोटा देश प्रदेश नहीं है, अपने आप में देश होता तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होता, जहां हमारी बड़ी ताकत है, और अगर चुनावी दृष्टिकोण होता तो बहुत सारे लोभ लुभावन विषयों की चर्चा हम लोग करते और उसमें हम लोग लाते, लेकिन मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री ने इस भारत के भविष्य को देखते हुए ये निर्णय लिया है, और जिस प्रकार का बजट पेश किया गया है ये स्टिमुलस बजट है, और खास करके पैंडेमिक के बाद इकोनॉमी की रिकवरी करना, 8% तक सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना देना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और कैपेसिटी क्रिएशन करना, ये अपने आप में है। और मैं आपको ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो 2020-21 में 4.5 लाख करोड़ थे, आज बढ़कर के 7.5 लाख करोड़, तो दृष्टि बिल्कुल साफ है। दृष्टि क्या चुनाव लड़ने का है या चुनाव, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने इसकी बिल्कुल चिंता नहीं की, और जो लोग इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, वो शायद चुनावी दृष्टिकोण से कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री की महानता है, और इस बड़ी महानता के तहत ये दिख रहा है कि चाहे वो गति का स्वरूप हो, जो बड़ा स्वरूप इंफ्रास्ट्रक्चर का है, रोड के क्षेत्र में हो, लॉजिस्टिक्स पार्क के क्षेत्र में हो, इवन रोपवे के क्षेत्र में हो, जो लोगों को पहुंचाने के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर गरीबों के किसान के खाते में पैसे पहुंचाने का हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का हो, आप इस सिलसिला को उठा के देख सकते हैं, और बजट तो भाई लगभग 40 लाख करोड़ का बनाया गया है। जो तो बात मुझे लगता है कि ये सोचने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। राइट, मैं एक और सबका रिएक्शन लेता हूँ, फिर बजट इसको खोल देंगे। डॉक्टर गौरव वल्लभ, आप तो खुद इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूँ, क्यों आपको लगता है कि ये जीरो बजट है, राहुल गांधी ने क्यों ट्वीट किया? देखिए सुमित जी, 4,27,00,000 युवा, 29 वर्ष के कम उम्र के युवा बेरोजगार है, उनको इस बजट में क्या मिला? 0/0। 84% देश के लोगों की आय 2021 में घटी, उनको इस बजट में क्या मिला? 0। 60,00,000 एमएसएमई पिछले 2 वर्षों में बंद हुए, उनको इस बजट में क्या मिला? 0। 4,60,00,000 लोग गरीबी में धकेल दिए गए, उनको इस बजट में क्या मिला? 0। 12 साल के उच्चतम स्तर पे WPI पहुंच गया, पर इन्फ्लेशन से कोई राहत नहीं, क्योंकि फूड, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम की सब्सिडी में 27% की कमी कर दी गई। हाँ, मिडिल क्लास को, किसानों को एक चीज मिली कि ये जो पतली पिन वाला चार्जर जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये 125 रुपया सस्ता हो गया है। ये बहुत बड़ी राहत है, अगर रूडी जी को लगता है ये बहुत बड़ी राहत है कि ये पतली पिन वाला चार्जर 125 रुपया सस्ता कर रहा, बेरोजगारों के लिए, मध्यम आय वर्गीय लोगों के लिए, किसानों के लिए, लोअर इनकम ग्रुप ऑफ द सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी राहत है, तो मैं इनको कहूंगा ये बहुत बड़ा स्टिमुलस बजट है। मेरे हिसाब से इस बजट में ना मिडिल क्लास को कुछ मिला, ना फार्मर्स को कुछ मिला, ना महिलाओं को कुछ मिला, ना फार्मर्स को। आता हूं, मैं बजट को, इस चर्चा को खोलता हूं, आगे भी बात करेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ हैं, एक कमेंट उनका लेता हूं, फिर अजीज खान आपसे काउंटर लूंगा। रागी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने सुना गौरव वल्लभ को, उनका कहना है कि सिर्फ 125 रुपए चार्जर पे सस्ता कर दिया और कुछ नहीं मिला।
सबसे पहले तो अवस्थी जी, यदि क्वांटम फिजिक्स के बारे में यदि आप एक परचून की दुकान चलाने वाले से पूछेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेंगे, तो क्या कहेगा? वो ऐसा ही उत्तर देगा। अब ये सवाल ही, ये ट्वीट आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, मैं गौरव बल्लभ जी ट्वीट करें बात समझ में आती है, लेकिन राहुल गांधी जी यदि बजट पे जानकारी देना शुरू कर दें तब तो ये देश के लिए बड़ा दुखद स्थिति होगी। अब वो बजट के बारे में जानते नहीं है, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना है। अब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में अभी रूड़ी जी ने कहा कितना उसमें इंक्रीज हुआ है। एमएसएमई के बारे में बताया गया है कि क्या उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैंडेमिक काल में नौकरियां गई हैं, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन ये पूरी दुनिया में हुई है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए। और यदि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, मैं जिसे मान करके चलता हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का जो क्वालिटी है उसको बरकरार रखते हुए, इस बात की बिना परवाह किए हुए कि चुनाव का क्या परिणाम आता है नहीं आता है, और मुझे पता है कि यदि एमएसपी में इतना बड़ा इंक्रीज हुआ है, बजट आउटले में इतना बड़ा है, तो किसानों को भी ये बात समझ में आएगी कि यदि उनका एमएसपी बढ़ता है तो उनका मूल्य ज़्यादा बढ़ेगा, उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, वो ज़्यादा खर्च कर सकेंगे। तो इसका ये अर्थ लगाना है कि से भाई किसानों को नहीं मिला तो मतलब मेरा हैरानी हो रही है। बल्लभ जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अच्छे आर्थिक भी हैं, लेकिन अब उनकी मजबूरी है कि राहुल गांधी एक बार अजीज खान साहब को मौका देते फिर डिबेट को ओपन कर देता हूं ताकि किसी के मन में कोई गिला शिकवा ना रहे। अजीज खान साहब, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया चट पट खट, जितनी भी खटपट कर सकते थे उन्होंने कर दिया अपने ट्वीट में, लेकिन ये बात तो सच है ना कि एमएसपी का आउटले बढ़ा दिया है, किसानों के पास ज्यादा पैसा पहुंचने वाला, जिसे और इशारा कर रहे हैं संगीत रागी जी। देखिए सुमित जी, देखिए चटपट खट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं और इसको ये डिनाई नहीं कर सकते, सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट जो हो रहा है उसके पीछे डेडलाइन क्या है ये समझना बहुत आवश्यक है। देखिए किसानों की बात की जा रही है लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि किसान को तमाम तरीके के लुभावने वायदे किए गए थे किसानों से, अभी जब जो तीन कृषि कानून वापस लिए गए थे तो ये कहा गया था कि किसानों के लिए बहुत सारी चीजें हम लाएंगे, तब किसान सम्मान निधि जो कहीं ना कहीं किसान उम्मीद कर रहा था उसका कोई जिक्र नहीं है। किसानों के लिए एमएसपी की बात जो हो रही है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एमएसपी कहा गया था डायरेक्ट बैंक में जाएगा, एमएसपी का जिक्र गारंटी की बात जो मांग कर रहा था किसान, उस एमएसपी के गारंटी का कोई जिक्र नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, अभी बात में लगातार जो सुन रहा हूं, चाहे वो मध्यम वर्गीय लोग हो, चाहे वो लोअर क्लास के लोग हो, जो भी लोग हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हताशा है, निराशा है। लोगों में बड़ी उम्मीद थी कि जो ये बजट आ रहा है, ये एक तो चुनावी बजट ही सही, इससे पहले भी बजट आए हैं, बहुत सारे वायदे किए गए थे लेकिन हालांकि वो पूरे नहीं हुए। पर खान साहब, अगर वो किसान सम्मान निधि बढ़ा देते या किसी तरह का और इंसेंटिव दे देते सीधे तौर पर बेनिफिट देने वाला, तब आप कहते कि रिश्वत दे दी, तब आप कहते कि चुनावी बजट ले आए, आप क्या चाहते हैं भाई? चित भी मेरी पट भी मेरी। देखिए सुमित जी, रिश्वत का मसला नहीं, उनका हक है और जिसका जो हक होता है उसको देना ही चाहिए था। इसमें चुनावी बजट का क्या, इसमें चुनावी फायदे लेने का कोई इशू नहीं था क्योंकि किसान उम्मीद में था, क्योंकि किसानों को इन्होंने राजीव प्रताप रूड़ी जी, अजीज खान साहब कह रहे हैं कि आपको चुनावी बजट लाना चाहिए था, आपको आपको जनता को देना चाहिए था, किसानों को खुद मांग कर रही समाजवादी पार्टी, आपको लगता है मिस हो गया? सबसे पहले तो मैं अजीज साहब की बात से शुरू करना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं, तो भाई हम करते हैं क्योंकि हम कर सकते हैं और हमारे पास हेडलाइन बनाने के लिए होता है। और आपने जो जितनी बातें कर दी तो मुझे एक बात का थोड़ा सा इस बात का महसूस हो रहा है कि आपने आज कागज़ देखा ही नहीं है, और दुर्भाग्य से हम लोगों को उस विषय पर और उस व्यक्ति के साथ चर्चा करना हो जिसने आज का कागज और बजट देखा ही नहीं। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में देखें तो 68,000 करोड़, जो पहले 60,000 करोड़ था, 2020-21 में बढ़ के पहुंच गया है। ब्लू रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं उसके लिए, मछली पालन के लिए, वो किसानों के लिए ही होता है, लगभग 8,000 करोड़। सक्षम आंगनवाड़ी हो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 10,000 करोड़, और किसानों के लिए एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में जो टोटल खर्च किया जा रहा है, पता नहीं आपने देखा ही नहीं सुना नहीं है, सुबह आप कहीं व्यस्त होंगे अपने पार्टी के काम में, 1,51,000 करोड़ का बजट है। तो ये हमारे पॉकेट में तो नहीं जा रहा है,
ये किसानों के पॉकेट में ही जा रहा है। आप उससे हट जाइए, ग्रामीण विकास जो किसानों से ही लेना देना है, वहाँ उसका बजट 2,14,000 करोड़ 2020 में था, 2 लाख करोड़ के आसपास है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप योजना को देख ले तो शायद इस तरह की टिप्पणी ना करें। हाँ, चुनाव में शायद आप व्यस्त हो तो आपको लगता है कि आपको वोटर जान जाए, बिल्कुल उनको कहिए, लेकिन भारत के नागरिक और वोटर बहुत चला के। अजीज भाई, इसके पहले हमारे कांग्रेस के जी जवाब ले लेते हैं। राजीव जी बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पे। नहीं, उसके मैं उनका भी बोल दूं, हमारे दूसरे मित्र का भी बोल दूं मैं। एक सेकंड सुमित भाई, एक सुमित भाई, मेरा वो पहले वाले वक्ता का भी जवाब दे देने दिए, उसके बाद आप कर लीजिएगा। पहले वाले हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा गरीबी में धकेल दिया, फर्टिलाइजर का सब्सिडी कहा गई। इस बार अगर आप थोड़ा, उन्होंने पता नहीं आजकल क्या हो गया हमारे मित्रों को, जो फर्टिलाइजर का यूरिया सब्सिडी है वो लगभग 63,000 करोड़ और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है वो लगभग 20,000 करोड़ से बढ़ा के 64,000 करोड़ कर दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी खत्म कर दी, पता नहीं उनके पास किस देश का कागज है, किस बजट का कागज है। कोविड के बाद इन्होंने कहा, तो कोविड के बाद सही अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, तो इसमें कौन सा छिपाने वाली बात है। सर्विसेज सेक्टर पूरे दुनिया में हिट हो गया, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, लेकिन एग्रीकल्चर और राइट सेक्टर में हम लोगों का कोई कटौती नहीं हुआ है। 3.6% है, इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है, आप देख लीजिए। मिडिल क्लास के बारे में बात करें, ये 1,50,000 करोड़ का रोड बन रहा है, 25,000 करोड़ का राष्ट्रीय उच्च पथ बनेगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, लॉजिस्टिक पार्क बनेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, महंगाई कम होगी। गौरव बल्लभ, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, ठीक है, आपने दोनों को छेड़ दिया, दोनों हाथ उठा दिया। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रोफेसर, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे कप्तान है भाई साहब। अच्छा, आप बोल लीजिए, चलिए, मैं, मेरे पास तो है ही है सब बोलने के लिए, आप बोल लीजिए। सुमित जी, जो आदरणीय सांसद महोदय को मैं बोलना चाहता हूँ कि आदरणीय सांसद साहब, बजट मेरे सामने पड़ा, अब मैं आंकड़े आपके सामने रखता हूँ, जवाब दीजिएगा। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी की आपने बात करी, 2021-22 में 4.3% ऑफ जीडीपी खर्च होता था कृषि पे, जो कम करके कर दिया गया 3.84%। मनरेगा का बजट जो 98,000 करोड़ था उसको 73,000 करोड़ कर दिया गया। कृषि, प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो बजट 15,989 करोड़ था उसको 15,500 करोड़ रुपए कर दिया गया। फिर आपने कहा भाई कौन सी दुनिया में रहते हैं, सुनिए सांसद महोदय, आप सुनिए, फर्टिलाइजर की सब्सिडी 1,40,000 करोड़ थी मौजूदा वित्तीय वर्ष में, जो कम करके हो गई 1,05,000 करोड़। आप संसद में भी नहीं सुनते, इतना नीरस बजट था। आपकी बात सही है और मैं आपकी बात समझ सकता हूं, क्योंकि वित्त मंत्री को कुछ बोलना ही नहीं था इसलिए आपने सुना भी नहीं और वो आपकी बात जायज है। फिर संगीत रागी जी ने कहा साहब राहुल गांधी जी के ट्वीट का मैं क्या जवाब दूं। हाँ संगीत रागी जी, एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ क्या प्रधानमंत्री जी ने एमए इन एंटायर इकोनॉमिक्स भी करी रखी है? कि प्रधानमंत्री जी ने आज आके बोला इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा प्रधानमंत्री जी, जरा बताइए। जीडीपी टू इन्वेस्टमेंट रेशियो कम हुआ, कौन सी सेविंग बढ़ी प्रधानमंत्री जी, सेविंग कम हुई है, पर कैपिटा इनकम कम हुई है, प्राइवेट कंजम्पशन पर कैपिटा कम होता जा रहा है, और आप यहाँ आके मेरे को बता रहे हो कि मैंने डाटा नहीं देखा। ये मेरे सामने डाटा है और सच्चाई ये है कि 125 रुपए पतली पिन के चार्जर के आपने कम कर दिए, ये मिडिल इनकम ग्रुप को आपने दिया, लोअर इनकम ग्रुप को आपने कुछ नहीं दिया। 4,27,29,000 से कम उम्र के युवा बेरोजगार है, उनको इस बजट में क्या मिला मुझे जवाब। ने हाथ उठाया, बोलना चाह रहे हैं। व्यक्ति जो पिछले 2 साल से जिसको सैलरी नहीं मिल रही है उसको इस बजट से क्या मिला मुझे जवाब दीजिए। प्रोफेसर संगीत रागी जी भी दीजिए और सांसद साहब भी दीजिए। संगीत जी, मैंने सुमित जी, मैंने कहा था गौरव बल्लभ जी का ट्वीट होता तो बात समझ में आती, उसको गंभीरता से उस पर बात करनी चाहिए, की जानी चाहिए। लेकिन मैंने कहा था कि राहुल गांधी जी के सामने बजट पर आप टेढ़ी टिप्पणी करते हैं तो ऐसा ही है कि हम पार्चून की दुकान चला रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और उसके बाद उससे क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात करने के लिए पूछ रहे हैं। मेरा इतनी टिप्पणी थी। रही बात कि ये बजट को लेकर के, तो देखिए कई इंडिकेटर्स होते हैं जिसको से एक सामान्य आदमी बजट को कैसे समझता है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ होगा या नहीं होगा, क्या जो बजट है जिसका एक्सपेंडिचर आउटलेज हमको दिखता है क्या वो जॉब क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता है,
हेल्थ सेक्टर में हम क्या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और हमारी सरकार की सोच कैसी है। देखिए, बजट को सिर्फ आउटलेज की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हमें वो भी पता है कि जब बजट आउटलेज होता था और 40% टू 60% उसको ट्रांसफॉर्म भी हम नहीं कर पाते थे, ये कांग्रेसी जमाने की बात कर रहा हूँ, कि बजट का जितना आउटलेज होगा उसका 30 और 40% ही उसको प्रयोग किया जाता था, बाकी सब के सब पैसे बचे रह जाते थे। इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, खास करके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल ग्रोथ के लिए जो बात की जा रही है, क्या वो जॉब क्रिएट नहीं करेगा? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यदि ग्रोथ करने के इन्वेस्टमेंट की बात है, क्या वो ग्रोथ पैदा नहीं करेगा? एक सवाल आपसे, फायदा नहीं पहुंचने वाला है। और उड़ी जी से 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था और आज 2022 में हम लोग हैं, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल मेरे एक मित्र ने वित्त मंत्री से पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहले वो सुनवा देता हूं वित्त मंत्री ने क्या कहा और फिर मैं आपकी टिप्पणी लेता हूं। सुनते हैं, निर्मला सीतारमण से जब पूछा गया शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब उनका क्या कहना था। When can we expect the farmers' income to double? It was supposed to double in 2022. Who wants to? I mean, will Anant Nageshwar want to answer it? So if you look at the amount of minimum support prices that was given out this year and also the record procurement, so if you look at the amount of minimum support prices that have been handed out to farmers in terms of the food grains procured from them as well as the quantity of food grains procured from farmers, it does suggest very strongly that we are well on the way to helping farmers substantially improve their income. क्या आपको लगता है रूड़ी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी के तरफ से बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इस जवाब से जो मुख्य आर्थिक सलाहकार ने दिया, देश का किसान संतुष्ट हुआ होगा जो अपनी आय दोगुनी होने के सपने 2022 में देख रहा था? देखिए, मैं बस वो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और मैं उस डॉक्यूमेंट का हवाला देते हुए आपको बताना चाहूंगा कि ये विषय तो निश्चित रूप से सुमित जी देश के सामने रखिए कि क्या डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, क्या उसमें निवेश हुआ, क्या ये एक आंशिक प्रश्न नहीं हो सकता है, ये एक सामूहिक प्रश्न हो सकता है कि क्या किसानों के उस आय में वृद्धि हुई है कि नहीं। और स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे पास आंकड़े हैं, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि मैं उस कमिटी का एक सदस्य भी हूं, और निश्चित रूप से इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मुझे लगता है कि ये एक पूरे विषय में एक ये विश्लेषण का विषय है। आप सीधे तौर से ये सवाल कर देंगे कि हमको बताइए कैसे अजीज खान इसको संभव नहीं है, लेकिन इस बार भी लगभग 2,30,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे दिया गया। अजीज खान बोलिए। अजीज खान साहब, देखिए सुमित जी, मैंने बड़ी गंभीरता से रूड़ी साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा पढ़ के नहीं आया या आपको मौका नहीं मिला, दिन भर चुनाव में बिजी रहे होंगे। मैं बताना चाहता हूँ दो तीन पॉइंट से, जरा ये भी नोट कर ले। केंद्र सरकार, मिनट का समय दीजिए, मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा ना। लीजिए, अब आ गया कागज, मैं आपको बताता हूँ, तो अगर आप सुनने के लिए तैयार है तो फिर तैयार रहिए। सर मुझे मौका दे, केंद्र सरकार, अगर आप सुनने के लिए, ऐसे तो कहीं भी कुछ उठा करके मैं आपसे पूछने लगूं, नहीं बड़ा पॉलिटिकल, तो मैंने तो आपको किसानों के बारे में बता दिया कि कितना है आपको, जब उस समय मैंने बताया, अब आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए ना। अब मेरे पास सभी आंकड़े आ गए, चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए महाराज, चलिए आप शुरू करते हैं, अब शुरू कर रहे हैं ना, सुन तो लीजिए, मैं आपको बताता हूँ किसानों का इनकम कैसे डबल हुआ, अब हमसे सुन लीजिए, अब आप सुन तो लीजिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहले 97,000 करोड़ था, अब वो 72,000। अब आप सुन लीजिए, आपने कहा कि आपको कागज नहीं पढ़ना, तो मैं पढ़ के आप दिखाता हूँ आप लोग। अरे सुनिए सर, अरे सुनेंगे नहीं सर आप। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए पहले 900 करोड़ था, परेशान क्यों हो रहे हैं? चलिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ आपकी इजाजत से। एक मिनट, धैर्य करिए, किसी की आवाज नहीं जा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुन लेंगे, राजीव जी मैं आऊंगा। गौरव वल्लभ ने हाथ उठाया, उनका एक काउंटर लेते गौरव वल्लभ, फिर मैं डिबेट को खोल देता हूं आपके लिए, एक एक करके बात करते हैं, समझदारी से चलेंगे। सुमित जी, मैं रूड़ी जी को बताना चाहता हूं कि सर आपको पता है हिंदुस्तान में भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार एक किसान प्रतिदिन खेती से कितना कमाता है? 2019 का एनएसएसओ का आंकड़ा अभी 2 महीने पहले आया, मात्र 27 रुपए सर।
और जो प्रधानमंत्री जी के जो परम मित्र हैं वो प्रतिदिन एक दिन में 1,002 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो क्या आप कौन सी इनकम को डबल करना चाह रहे थे सर? आपका सर्किट लूज हो गया, वहां से सर्किट तार वहां मिल गया, आपको डबल उनकी करनी थी और डबल 8 गुना आपने बढ़ा दी प्रधानमंत्री जी के मित्र की। दूसरा सवाल रूडी सर, पूरी जिम्मेवारी से पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा 2022 में सबको मकान मिल जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, तो फिर ये पीएम आवास में पैसे देने की कहां जरूरत है? मुझे तो लगा सबको मकान मिल गया होगा अब तक, प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो फिर ये पीएम आवास का नया झुंझुना कैसे आ गया? तो इसका मतलब आप पहले तो ये मानिए कि जो आप कहते हैं वो बिल्कुल सरासर जुमले और झूठ वक्तव्य देते हैं और नई स्कीम नए नाम से वापस लाने की कोशिश करते हैं। अब 3 साल आगे की डेट दे देंगे, फिर 6 महीने आगे की डेट, आपने 2022 में कहा था सबको मकान ऐसे में रूड़ी जी मिला रूड़ी क्या जी। और अगर नहीं मिला तो रूड़ी जी गौरव एक मिनट गौरव बजट का आवंटन क्यों गौरव जी एक मिनट अगर एक बात भी गौरव भल्लभ ठीक बोल रहे हैं रूड़ी जी तो चुनाव में क्या होगा, क्या चुनाव में फायदा मिल पाएगा? ये तो विपक्ष ऐसे ही बोलेगा सब जगह जाके। देखिए बा सवाल है कि वो तो नजरिया अपना अलग अलग है, ग्लास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, तो विपक्ष में बैठे हैं तो किसी को जीरो बजट दिखता है, किसी को ग्लास आधा खाली दिखता है, लेकिन देश के लोग और मतदाता अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो और वो आंकड़े लेके अगर हम लोग बैठ जाए कि उत्तर प्रदेश के विकास का स्वरूप क्या बना है, तो अपने आप में बेहतरीन है और देश के स्तर पर भी किसानों में सबसे कम अगर डिस्ट्रेस भारत में है, तो आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पता नहीं हमारे मित्र कभी देहात जाते हैं कि नहीं, आंकड़ों पर आधारित है, लेकिन हम लोग तो देहात में गाँव के बीच में रहते हैं और आपको प्रत्यक्ष रूप से हम बता सकते हैं कि देहात में लोगों में खुशहाली है, डिस्ट्रेस नहीं है। जो डिस्ट्रेस है वो टेलीविजन पर है और वो हमारे मित्र टेलीविजन पर चुनाव के पहले बोलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई डिस्ट्रेस नहीं है जिसके बारे में चर्चा है। देश का किसान बहुत हद तक शहरों से ज्यादा खुशहाल है और ये प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिलता है। नहीं बरूड़ी जी, मैं बीच में टोक रहा हूं, मैं लौटता हूं। अगर इतने ही काम किया गया अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए तो चुनावों में इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? गर्मी चर्बी, कोई गर्मी याद दिला रहा है, कोई चर्बी याद दिला रहा है, चुनावी माहौल उसी बीच में हो रहा है। मैं एक बयान सुनवाता हूं फिर आप लोगों के पास लौटता हूं, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की हम लोग कर रहे हैं। संगीत जी मैं आता हूं, सुनिए दो बड़े नेताओं के बयान। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जय चौधरी, ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। अगर इतना अच्छा चुनाव हो रहा है तो गर्मी चर्बी के बयान क्यों हो रहे हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? अजीज खान, पहले मैं आपसे सवाल लेता हूं, संगीत राजी आप जवाब दीजिएगा। अजीज खान, क्यों इस तरह की बात की गई आज चौधरी जयंत सिंह की तरफ से? आपने सर सीएम योगी जी का बयान नहीं सुना, वो मौसम वैज्ञानिक लग रहे हैं। अरे भाई, उनको नाम बदलने में अगर वो इतने माहिर है और हैं भी, तो यूपी का नाम शिमला बदल दे। बाकी ये गर्मी ठंडी की बात शुरू कौन कर रहा है? देखिए एक बात सुभी जी समझिए, इनके पास आज बताने के लिए कुछ भी नहीं है और ये बता भी नहीं पा रहे हैं। अगर बता नहीं पा रहे क्योंकि जमीन इनकी पैर के नीचे से खिसक चुकी है, इसलिए ये उलझुल बयान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। मैं देख रहा हूं योगी जी का बयान गलत है, जयंत का बयान ठीक है, आप ये कह रहे हैं चर्बी निकाल दूंगा, क्या किस तरह की बात है? मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आपने अपने जस्टिफाई नहीं कर रहा। संगीत रागी जवाब दीजिए, मेरी बात सुन सर, सर मुझे मौका दे। मैं कह रहा था कि लगातार देश के गृह मंत्री सुमित जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे नफरत का झोला लिए पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे, आज इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। अभी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, तमाम वायदे किए 2014 में,
कहा था कि 17 नए एम्स बनाएंगे, अब बताइए ना दरभंगा में अभी एम्स की ईंट भी नहीं वहां पे लगी है, गुजरात में एम्स की जमीन का भूमि पूजन खाली 2 साल बाद हुआ, हरियाणा में 2.5 साल तक जमीन ही तय नहीं हो पाई। संगीत रागी जवाब दीजिए, अगर अगर चुनाव इतने आसान है, विकास के मुद्दे पे लड़े जा सकते हैं, तो ये विवादित बयान क्यों आते हैं बड़े नेताओं की तरफ से जो मतदाताओं के मन में तरह तरह के सवाल पैदा करते हैं? यह दो का बिल्कुल आपने ये बहुत वाजिब प्रश्न किया है सुमित जी। पहले तो ये बात बता दूं कि किसानों की आय दुगनी कैसे करने की बात की जाती है, जरा एमएसपी का आंकड़ा यूपीए के समय का देख लीजिएगा, 2009 से 2014 के बीच का ही तुलना कर लीजिएगा, 3.74 करोड़ के आसपास एमएसपी पे खर्च किया गया था। भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 लाख करोड़ रुपया जो है वो एमएसपी पर खर्च किया है, ये तो ध्यान रखने की वाली बात है। अब रही बात कि क्या ये 8 लाख करोड़ संभव कैसे हो पाएगा, देखिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ था, हम साथ साथ नहीं रह सकते। यही उत्तर प्रदेश वो भूमि थी जहाँ से विभाजन की आइडियोलॉजी और विचारधारा को पूरे देश में फैलाया गया था। कैराना वहीं से घट रहा है, मुजफ्फरनगर दंगे वहीं से हो रहे हैं, 19% की आबादी जैसे ही उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आती है, सफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि तालिबान का अभ्युदय जो है वो इस्लाम का अभ्युदय है, जिन्ना आ जाते हैं, फिर हिंदुओं को ये बताया जाता है डायरेक्ट एक्शन डे की तरह कि हम बता देंगे, हैसियत दिखा देंगे, औकात कर देंगे, हमारे लड़के रहेंगे तो तुम्हारे ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि क्या ये वाकई सच्चाई नहीं है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाके डोमिनेट करते हैं वो सारे इलाके सेंसिटिव हो जा रहे हैं? ये यहीं की बात नहीं है, दुनिया के किसी भी देश में चले जाएंगे तो ये एक खतरा तो है। और आप बड़ी बात कर रहे हैं संगीत राग, समाज यदि मुस्लिम इलाकों में खतरा तो है, आप इंक्लूसिव लीजिए, बस 10 सेकंड, 10 सेकंड, संगीत जी, संगीत जी आप प्रोफेसर हैं, आपने बड़ी बात की, 10 ये बड़ी बात आप कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय टीवी पर हैं, अपनी बात खत्म कर रहे थे, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर, मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। देखिए जब चुनाव के बाद में आप ही का चैनल और सारे चैनल ये बात करते हैं कि इस अमुक कॉन्स्टिट्यूएंसी में यादव कितना है, राजपूत कितना है, ब्राह्मण कितना है, कायस्थ कितना है, उनके अंदर भी 72 फिरके हैं लेकिन उनको एक मोनोलिथ इस्लाम के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, यानी हिंदू समाज जातियों में के खेमे में बटे रहे और मुस्लिम एक मुस्त रहे। तो मैं आपको बता दूं कि यदि माइनॉरिटी पोलराइज करेगा तो मेजोरिटी, गौरव वल्लभ जवाब दीजिए, उतना ही लोग, गौरव वल्लभ ने हाथ उठाया, 30 सेकंड, गौरव वल्लभ, अजीत ध्यान में आऊंगा, गौरव वल्लभ ने पहले, सुमित जी देखिए यही तो अब हम सबका दुर्भाग्य है कि आज हमको बात करनी थी 4,27,00,000 युवाओं को रोजगार कैसे दिलाएंगे, प्रोफेसर साहब हिंदू मुस्लिम जाति कितनी जातियां गिना दी, कौन पोलराइज हो रहा है, साहब मुझे ये बताओ 4,27,00,000 लोगों को रोजगार किया, तभी हमने उत्तर दिया, मुझे ये बताओ पीएम आवास में हाउसिंग फॉर, बीच में नहीं सर, पीएम आवास में हाउसिंग फॉर ऑल 2022 में प्रधानमंत्री ने सबसे वादा किया था, तो ये पीएम आवास में पैसे देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे ये बताओ किसानों की आय दुगनी कब होगी? मुझे ये बताओ कि महंगाई से निजात कब मिलेगा? मुझे ये बताओ कि मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति को इस बजट में कितने रुपए का फायदा हुआ है? ये धर्म को छोड़ दीजिए भाई साहब, मैं हाथ जोड़ के सभी मध्यम आय वर्गीय लोगों की तरफ से, सभी युवाओं की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, नौकरी की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, हमने देख लिया आप क्या बातें करते हो, बजट के दिन, बजट के शो के दिन विभाजन की बातें, धर्मों में लड़ाई की बातें, मैं लौटूंगा, सज्जन जो सांसद साहब से पूछा, सांसद साहब गौरव वल्लभ पीएम आवास का, वो चुप हो गए, गौरव वल्लभ मैं माफी चाहता हूँ, एक क्विक रिएक्शन राजीव प्रताप रूढ़ी का, मुझे ब्रेक की ओर आगे जाना, राजीव प्रताप रूढ़ी जी 20 सेकंड्स प्लीज कंप्लीट दिस, क्योंकि आपका नाम जी, मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता का उत्तर देना चाहूंगा, वो किसानों के प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं और कांग्रेस के जमाने में जो भारत में कृषि का बजट था वो 27,000 करोड़ था जो 2013-14 तक था, वो आज के बजट में 1,40,000 करोड़ पहुंच गया है, कुछ नहीं है उनके सामने, ये किसानों के पास नहीं जा रहा, ये कहीं और चला जा रहा है इनके कहने का। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आवास के बारे में, पता नहीं इनको देश का ढांचा पता है कि नहीं,
देश की सरकार जाके गांवों में आवास नहीं देती है, उसे राज्य सरकार को पूरा करना हमारा लक्ष्य 2022 है। कई राज्य कोविड के समय नहीं कर पाए तो वो करने की तैयारी में, और वैसा लैप्स नहीं किया जाता है, उसको वापस किया जाता है। ABP News आपको रखे आगे।